शेखर चंद्रशेखर। सत्ताईस फरवरी सन 1931, जाड़े की ऋतु में उस दिन धूप कुछ ज्यादा ही सुनहरी थी और यही सुनहरा दिन इतिहास बन गया। जो नॉट बावर हमें दिन रात पागलों की तरह ढूंढ रहा था, आज एक मुखबिर के कारण एल्फ्रेड पार्क पहुंच गया। How can the Sadduk fall ill on this particular day? Hello? It is him. It's over for him. ये लीजिए भैया, सोहन जी पैसा भिजवाए आपके लिए। नेहरू जी ने पूरे 1500 रुपए दिए उन्हें। साला हमें फासिस्ट कहते हैं, देख रहे हो सिराज, ये सब खेल इस नोट का है। इतनी गोलियां लगने के बाद भी हमारी जान भी बाकी थी और जान जाती भी कैसे है। वचन जो दिया था अपने आप को कि हमारी मौत किसी अंग्रेज की गोली से नहीं बल्कि अपनी गोली से होगी। बंदूक में गोली डाली गई थी कि हमें अम्मा आपकी नहीं लिखी। अम्मा एक बार वो गाना सुना देना,
जही दिन हुई है सूरजवा, जही दिन हुई है सूरजवा, तब हम अरहर के दलिया और धान के भतुआ खूब कच्चर के खैबे हो रामा हो रामा। बहुत काम बाकी रह गया अम्मा, भगत को फांसी से बचाना था, स्वराज लाना था, क्या करें अम्मा, इन गोरों के बीच में फंस गए। अम्मा दुश्मन की गोलियों का सामना करें, आजाद हैं और आजाद ही रहेंगे। अब भी जिसका खून न खौला, वो खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। रुकिए, किसी अनाथ लावारिस का शरीर नहीं मांग रहे हम, वो चंद्रशेखर आजाद है, समझे आप? 26 साल के बच्चे के शरीर पर कितनी राउंड गोलियां दागी हैं आपके उस नट पावर ने। आप हमारे आजाद का शरीर हमें सौंप दे बस। देखिए टंडन जी, हमें अभी तक कोई सरकारी आदेश नहीं मिला है, आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इलाहाबाद के हर घर में बैरिस्टर पलता है, कानून के नाम पर हमें भटकाइए मत। हम यहाँ हंगामा करने नहीं आए, आप हमें हमारा शहीद आजाद का शरीर हमें सौंप दीजिए ताकि हम सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कर सके। बड़े साहब आ जाएं, सूचना भिजवा दी है हम। कमला नेहरू जी आ गए। आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं है। एक मृत शरीर को देखने की कैसी अनुमति? कमला जी, अंदर आजाद का मृत शरीर नहीं है। ये कैसी कायरता है? कहां गया शहीद आजाद का शरीर? कहां गायब कर दी तुम लोगों ने उसकी लाश? बताओ। सर,
So these people are here to claim Azad's body. Go and tell them. देखिए यहाँ भीड़ लगाने का कोई फायदा नहीं है. आजाद का शरीर उसके परिवार वाले साथ लेके जा चुके हैं. आप लोग जा सकते हैं. झूठ बोल रहे हो आप लोग. अगर ऐसा था तो पहले क्यों नहीं बताया? उसके घर वालों में से कौन आए थे? क्या नाम बताइए? कोई शिव विनायक मिश्रा थे. कहाँ लेकर गए हैं उसको? लकड़ियाँ चाहिएगा? सब सामग्री है हमारे पास. पुलिस वाले यहाँ अभी अभी कोई लाश चलाएंगे क्या? हाँ हो रही. उधर जल गई बातो. कौन हो? बड़ा आदमी रहेगा? बहुत बड़ा देशभक्त था. तभी हम सोचे कि काहे चुप चुप के जला रहे हैं ये पुलिस वाले. हम समय से पहुंच नहीं पाए अम्मा. हम समय से पहुंच नहीं पाए. अंग्रेज जितने चालाक थे उतने ही कायर भी. चुपचाप शहर से कोसों दूर हमारा अंतिम संस्कार कर दिया गया सिर्फ इस डर से कि उन पर कोई आंच ना आए. पर ये चिंगारी तो दवानल का रूप ले चुकी थी जिसका डर उनकी आंखों में साफ साफ देखा जा सकता था. उन्हें ये विश्वास भी हो गया था कि अब भारत को स्वतंत्र होने से कोई रोक नहीं सकता. हुण तक नहीं भजिया तो हुण की भजांगा भाई. तुहानू होया ना हो पर सानू अपने उत्ते बहुत भरोसा है. मैं हथकड़ी नहीं पाउणी. पहन ले मेरे भाई हथकड़ी पहन ले. ये तो कानून है. ओ वीरमल जी केड़ा कानून? यह तो मजाक है. कल्ले कल्ले हमें सजा सुना दी गई ते हुण शाम को ही फांसी चढ़ा रहे हैं. यह तो मजाक हुआ ना.